जी, मैं हूं बीएस और आप देख रहे हैं बीएस फिल्म्स प्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे डिविंची रिजोल्व की क्लास नंबर 3 के बारे में। यहाँ से मैं डिविंची रिजोल्व को ओपन कर लेता हूँ। जी, आप देख सकते हैं डिविंची रिजोल्व ओपन हो रहा है। यहाँ स्टार्ट में अगर आप देखें तो ये लोड फैशन कलर्स वगैरह पेज अपने जो होते हैं वो लोड कर रहा है, और प्रोजेक्ट्स वगैरह और ट्रांजेक्शन फिल्टर्स वगैरह यहाँ पर लोड करता है। और फिर कुछ सेकेंड्स के बाद ये पेज आपके पास शो हो जाएगा। इस पेज के ऊपर बाकी जितने आइकन्स हैं तकरीबन समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर ये जो आइकन है आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये बैकअप क्रिएट करने के लिए होता है और ये रिस्टोर करने के लिए होता है। ये किस चीज़ का बैकअप क्रिएट करता है? ये आप डेटाबेस का जो भी फोल्डर क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल मुझे ये पोस्ट वेडिंग वाले डेटाबेस का बैकअप क्रिएट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ये बैकअप वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली पाथ मांगेगा कहाँ पर आपको इसको सेव करना है। मैं इसको फिलहाल डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बैकअप के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके सक्सेसफुली। तो कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसका बैकअप क्रिएट हो चुका है। और अगर इसको आप इसके अंदर वापस लाना चाहते हो, रिस्टोर करना चाहते हो, रिस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली फ़ाइल आपसे पूछेगा। ये वाली फ़ाइल आप लोड करवा देंगे तो आपका वापस वही वाला डेटाबेस विद प्रोजेक्ट वापस शो हो जाएगा आपको। इसके बाद चलें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्लास नंबर 3। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट डिविंची रिजोल्व का सॉफ्टवेयर ओपन होता है, तो ये कट पेज के ऊपर ओपन होता है। और मैं यहाँ से इसको मीडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। मीडिया सिलेक्ट करके आप ये देख सकते हैं इसके फर्स्ट पेज के ओवरऑल के अंदर आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो फाइल से स्टार्ट होते हैं। फाइल, एडिटर, ट्रिम, टाइमलाइन, क्लिप, मार्क, व्यूज़, प्लेबैक वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना एक अलग से ये डिविंची रिजोल्व के नाम से एक अलग से ऑप्शन ऐड किया गया है। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो फर्स्ट नंबर आपको ये बता रहा है अबाउट डिविंची रिजोल्व। यहाँ से आप इसका वर्जन चेक कर सकते हैं अपना पेज। ये आप देख सकते हैं 4.3 वाला वर्जन जो है इंस्टॉल हुआ हुआ है मेरे कंप्यूटर के अंदर। और इसके नीचे जो है आपको कीबोर्ड शॉर्टकट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपने एडिटिंग टाइमलाइन की शॉर्ट्स की को चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है डिविंची रिजोल्व सिलेक्ट हुई हुई है। अगर आप प्रीमियर से स्विच कर रहे हैं तो यहाँ से अगर आप प्रीमियर सेलेक्ट कर लेते हो तो कुछ कीज़ प्रीमियर से मिलती जुलती हो जाएंगी। और अगर आप फाइनल कट प्रो से स्विच कर रहे हो तो फाइनल कट प्रो के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये कुछ फाइनल कट प्रो के साथ मिलती जुलती कीज़ हो जाएंगी। और ऐसे ही एविड मीडिया कंप्रेसर से भी और प्रो टूल से भी मिलती जुलती कीज़ हो गई। टोटली ए टू जी वैसी की वैसी नहीं होंगी, कुछ मिलती जुलती कुछ कीज़ कॉमन हो जाएंगी जो मिल जाएंगी। और उसके अलावा ये डिविंची रिजोल्व किया। और इसके बाद अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के हो या उसकी कीज़ के साथ इसको एडजस्ट करना चाहते हो, जैसा कि EDS हो जाए या कोई भी एनीवन कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आकर अपनी आप मर्जी से कोई भी शॉट की मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और ये देखें, सिलेक्ट करने के बाद आप कोई भी की प्रेस करेंगे। ये मैंने वैसे आई प्रेस किया तो ये बता रहा है कि ऑलरेडी ये आई वर्ड जो है कहीं पे यूज़ हुआ हुआ है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, रिटर्न वही वाला की आ जाएगी। तो आपको जो भी की यूज़ करनी होगी वो किसी एक एक्शन के लिए एक की यूज़ करेंगे, एक ही की को दो या तीन एक्शन के लिए यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर वर्क भी नहीं कर पाएंगे और सॉफ्टवेयर आपको पहले ही बता देगा ये वाली की आप कहीं पर यूज़ कर रहे हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी किया था तो मैं इसको एक दफ़ा फिर से करके दिखा देता हूँ। मैं इसको फिर से आई प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी बता रहा है यूज़ है ये वाला की आपका। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल जी करता हूँ तो ये देखें अगर आप, तो ये ऑटोमेटिकली इसका सिलेक्ट हो चुका है। मैं इसको वैसे फ़िलहाल रिटर्न कर देता हूँ जो इसका था। और आप अपनी मर्जी से यहाँ से टोटल कीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। और इसके बाद अगर आप देखें तो नीचे आपको मिल जाता है चेक अपडेट, यहाँ से आप अपनी अपडेट्स चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये उसके बाद प्रेफरेंसेस में आपको जो है सिस्टम की सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। ये यूज़र सेटिंग है, ये सिस्टम सेटिंग है। यहाँ से आप यूज़र सेटिंग करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिस्टम सेटिंग करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाई देता है मेमोरी एंड GPU। मेमोरी एंड GPU के अंदर आपको क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो सेटिंग ऐसे आगे पीछे भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है, ओपन CL की जगह CUDA भी हो सकता है, एनीवन कुछ भी हो सकता है।
तो आपको सिस्टम सेटिंग के अंदर आके फर्स्ट नंबर पे ये आपको रिजोल्व मेमोरी यूजेज बता रहा है, तो इसको आप मैं 32 GB कर देता हूँ। मेमोरी कैशे भी मैं इसको 24 GB कर देता हूँ। और नीचे अगर आप देखें तो GPU कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। GPU कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने यहाँ पे अपना ग्राफिक कार्ड लोड करवाना है, और यहाँ से आप OpenCL रखें या CUDA रखें बात एक ही है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा OpenCL रखता हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं तो नीचे आपको मीडिया स्टोरेज मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर को अगर आप डेटाबेस अलग से बना भी लेते हो तो इसकी जो कैशे होती है वो आपकी फिर भी सी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जा रही होती है। मैंने इसको मॉडिफाई किया हुआ है डी के अंदर, तो आप भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ से ऐड के ऊपर क्लिक करें, ऐड के ऊपर क्लिक करके आप किसी भी पार्टीशन के अंदर इसको पाथ दे सकते हो। तो ये कैशे होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो आप काम कर रहे होते हो वीडियो का, ऑडियो का, हर चीज़ का कैशे ये जनरेट करता रहता है साथ में, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा मेमोरी हो जाती है। अगर इसको आप सी में ही रखेंगे तो आपकी सी बहुत जल्द फुल हो जाएगी, तो आपको ज़रूरी है कि इसको चेंज करें, न्यू पाथ देंगे और ओल्ड वाली को यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसके नीचे आ जाएं तो डिकोडर ऑप्शन आ जाता है, आपको डिकोडर ऑप्शन मिल जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इधर सेटिंग्स हैं, आपको इसको अपनी मर्जी से देख के मॉडिफाई करना चाहिए मेरे ख्याल में, और मैं इसको इसलिए थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आगे जा के समझाने वाली चीज़ है। अभी फ़िलहाल जो ज़रूरी था वो ये था मीडिया स्टोरेज। मीडिया स्टोरेज मैंने आपको दिखा दिया, सिस्टम के अंदर आता है, और GPU आपने लोड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसको भी फ़िलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ, और यही पेज अगर आप इसके गेयर आइकन के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा प्रोजेक्ट सेटिंग का। और यहाँ से अगर आप देखें होम के आइकन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आप अपना डेटाबेस का फोल्डर चेंज कर सकते हो, प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो। सबसे लास्ट पे आपको जो है क्विट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शॉर्ट की इसकी कंट्रोल क्यू है सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस वगैरह हैं, इधर ये मेटा डाटा वगैरह, ऑडियो, और ये मास्टर आ गया, स्मार्ट बिन आ गया, एक पावर बिन होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं आपको नॉर्मली जो यूज़ में रहने वाली चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, बाकी जैसे जैसे हमारी क्लासेस साथ साथ चलती जाएंगी वन टू वन टूल्स मैं समझाते जाऊँगा। आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर प्लेबैक के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टाइमलाइन प्रॉक्सी मोड। टाइमलाइन प्रॉक्सी मोड को मैं तो वैसे ऑफ रखता हूँ, अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो तो ऑन भी कर सकते हो हाफ रेजोल्यूशन में या क्वार्टर रेजोल्यूशन में। इसको अगर आप कर देते हो क्वार्टर रेजोल्यूशन के अंदर तो आपकी टाइमलाइन का जो लोड होता है वो कम हो जाता है। और उसके बाद आपको मिलता है रेंडर्ड कैशे। रेंडर्ड कैशे जो होता है ये मैं इसको स्मार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। स्मार्ट पे अगर आप भी यहाँ से जाकर रेंडर्ड कैशे को स्मार्ट पे क्लिक कर देंगे तो टाइमलाइन प्लेबैक बफर आपका कुछ स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि ये जो काम कर रहा होता है रेंडर्ड कैशे, ये आप टाइमलाइन के ऊपर जो वर्क कर रहे होते हैं उसका कैशे जनरेट कर रहा होता है। अगर आप इसको स्मार्ट कर दोगे तो ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, तो आपकी प्लेबैक बफर ज़रा स्मूथ हो जाएगी। और उसके बाद ये डिलीट रेंडर्ड कैशे जो है ये इसको आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट होने के बाद इसको इरेज कर सकते हो। जो मैं बता रहा था यहाँ से अगर आप इसकी प्रेफरेंसेस के अंदर जाते हैं तो प्रेफरेंसेस के अंदर आपको मीडिया स्टोरेज के अंदर ये वाला जो रेंडर्ड कैशे होता है ये आपका प्रोजेक्ट के किसी काम का नहीं होता, ये बेसिकली आपकी वीडियो ऑडियो फाइल का रेंडर्ड कैशे बन रहा होता है और ट्रांजेक्शन फिल्टर्स वगैरह का, तो उसको आप इरेज कर सकते हो। तो इरेज करने के लिए आप यहाँ से प्लेबैक के ऊपर आपको ये डिलीट रेंडर्ड कैशे दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ से इसको ऑल कर दूंगा। जिस प्रोजेक्ट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ उसी प्रोजेक्ट का रेंडर्ड कैशे इरेज होगा, बाकी रेंडर्ड कैशे आपका इरेज नहीं होगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारा मीडिया पूल है, मीडिया पूल के अंदर हमारे कंप्यूटर की टोटल पार्टीशन हमको यहीं पर दिखाई दे रही हैं। अगर ये दिखाई नहीं दे रही तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देंगे आपको। और ये किसी भी पार्टीशन के अंदर से हमें कोई डाटा यूज़ करना है तो ये स्टार्ट पे हमें ये मास्टर जो दिखाई दे रहा है इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हिडन हो जाता है, इसको रिटर्न क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। और ये फेवरेट नाम का एक बॉक्स बना हुआ है और एक मास्टर नाम का बॉक्स बना हुआ है, एक स्मार्ट बिन का नाम का बॉक्स बना हुआ है। तो ये फेवरेट क्या होता है, फेवरेट बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई काम करते हुए कुछ AVIs, कुछ लाइट लीक, कुछ फ्लेयर्स वगैरह वगैरह आपको नॉर्मली हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करनी होती हैं, तो आपको बार बार कॉल करने में आपका टाइम वेस्ट होता है, आप उस टाइम से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत। ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से है जैसे एप्पल के अंदर आप वर्क करते हो कि सारा कुछ आपको डेस्कटॉप के अंदर ही मिल जाता है, कोई पार्टीशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पार्टीशन वगैरह ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर भी है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लिप नाम का फोल्डर है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो ये एड
फोल्डर टू फेवरेट्स, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये फेवरेट्स के अंदर मौजूद है। और अब मैं यहाँ पर ये जो हमारा डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे होंगे हमारे, वो कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करूँगा मैं तो फेवरेट के अंदर ये वाले फोल्डर ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद रहेंगे, ये कहीं जाएंगे नहीं। यहाँ से आप अगर प्रोजेक्ट को चेंज भी कर लोगे जो आपने इंपोर्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ये फेवरेट वाले फोल्डर आपके बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही आपको दिखाई देंगे, आपको बार बार इसको कॉल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से उठा के आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको ये मास्टर बिन मिल जाता है, तो ये मीडिया पूल है। मीडिया पूल के अंदर हमें कोई, फॉर एग्जांपल हमें वीडियो एडिट करनी है, 2, 3, 4, 5 कैम की वीडियो है हमारी, यहाँ पे एक राइट क्लिक करके न्यू बिन जनरेट करूँगा और इसको अपनी मर्जी से नाम दे सकता हूँ। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और इसको कर देता हूँ कैम 01 और फिर से एक फोल्डर जो है बिन के अंदर नया जनरेट करूँगा और इसके अंदर लिख दूंगा कैम 2 और फिर से एक फोल्डर जनरेट करूँगा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ड्रोन फुटेज। ये आप देख सकते हैं ये हमारा इसके अंदर फोल्डर जनरेट हो गया। मैं इसको फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, रिमूव बिन, और इसको भी रिमूव बिन। ये हमारा एक फोल्डर यहाँ पे बन गया और यहाँ पर ही मैं नया वाला फोल्डर जनरेट करने वाला हूँ, न्यू बिन, ये देखें कैम 02 और फिर से मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और ड्रोन फुटेज। फॉर एग्जांपल कैम 1 के अंदर मैं ये वाली फुटेज, ये समझ ले मेरी कैम 1 की फुटेज है, मैं यहाँ पे ला के छोड़ दूंगा और इसको मैं चेंज कर दूंगा ताकि मेरी जो फुटेज की फ्रेम रेट की सेटिंग है वही वाली सेटिंग मेरे प्रोजेक्ट की हो जाए। उसके बाद मैं सेकंड नंबर कैम के अंदर जाता हूँ तो सेकंड नंबर कैम के अंदर मैं कोई और वाली वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यही वाली वीडियो चले ले लेता हूँ, ये मेरा सेकंड कैम है। और थर्ड नंबर पे ड्रोन फुटेज है, ड्रोन फुटेज के अंदर भी कुछ रख लेते हैं छोटा मोटा क्लिप, चलें जी ये ड्रोन फुटेज के अंदर रख लेते हैं। तो ये आप देखें फर्स्ट नंबर पे मास्टर बिन जो है इसके अंदर हमारे 3 फोल्डर जनरेट हुए और उन फोल्डर के अंदर कैम 1 की फुटेजेज आ गई, कैम 2 की फुटेजेज आ गई, कैम 3 यानी ड्रोन की फुटेजेज आ गई। या पूल के अंदर हमारे 3 फोल्डर जनरेट हुए जिनके अंदर हम मुख्तलिफ फुटेजेज मौजूद हैं। और इसके बाद अगर हम कट पैनल के अंदर जाते हैं तो यही 3 फोल्डर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं और यहाँ से हम इसको ओपन करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ लोग जो हैं प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करना नहीं चाहते, जल्दी करना चाहते हैं, पैनल के अंदर आएंगे तो कट पैनल के अंदर भी सेम वैसे ही आपको मास्टर बिन मिल जाएगा। ये देख सकते हैं सेम फोल्डर्स के हिसाब से जैसे आप EDS प्रीमियर या फाइनल कट प्रो वगैरह के अंदर काम करते थे, सेम लाइक वैसे ही है, कुछ इतना डिफरेंट नहीं है। तो ये आपका एडिट पैनल के अंदर आ गया। मैं रिटर्न ज़रा मीडिया पूल के अंदर जाऊँगा। मीडिया पूल के अंदर अभी मैंने आपको जो है मास्टर बिन के बारे में बताया, यहाँ पर एक बनता है पावर बिन। पावर बिन भी सेम लाइक ये फेवरेट फोल्डर वाला काम करता है। पावर बिन के अंदर ऑटोमेटिकली वो आपकी वीडियो कॉल हुई पड़ी रहती है, वीडियो हो, लोगो हो, कुछ भी हो। और नीचे आपको स्मार्ट बिन मिल जाता है। स्मार्ट बिन बेसिकली मेटा डाटा टाइप कनेक्ट होता है। ये मेटा डाटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये मेटा डाटा और स्मार्ट बिन के बारे में मैं बताऊँगा नेक्स्ट एपिसोड में। और पावर बिन के बारे में अगर आप थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, वरना मेरे ख्याल में उसके बारे में इतनी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, उसकी जगह पे मैं फेवरेट बता ही चुका हूँ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।